छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा हुआ है। अकलतरा रेलवे स्टेशन से नेहला की ओर जा रही मालगाड़ी डीरेल हो गई और 11 बोगी पटरी से उतर गई। इस हादसे से रेलवे की 3 लाइनें प्रभावित हुई हैं। घटना की सूचना के बाद रेलवे के डीआरएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य शुरू किया गया। वहाँ काम चल रहा था, लगभग 3 बज रहे थे। 3 बजे बिलासपुर के और थ्रू ट्रेन आ रही थी। ट्रेन में प्रॉब्लम पहले से रही होगी क्योंकि उनके व्हील में चक्के में कुछ चिंगारियाँ उठी। जस्ट सामने 2 बोगी जंप की, जंप करने के बाद वो लाइन से उतरी। 150 मीटर जाने के बाद फिर वो वहाँ का चक्का फेंकाने लगा, व्हील स्प्रिंग फेंकाने लगा, यहाँ पूरा धुआं धुआं हो गया। और आगे जाके फिर देखने पर पता चला गार्ड बोगी पूरा हिल रहा था पीछे तरफ, गार्ड पूरा जिसको मैंने सामने से देखा, और आगे पूरा धुआं धुआं हो गया था। धुआं हटने के बाद पता चला कि 5 बोगी ट्रेल हो गई। कैसा लग रहा था उस समय? जब उस समय बहुत भयानक दृश्य था। थोड़ा सा मैं क्लिपिंग ले पाया खुद की जान बचाने के लिए। मैं यहाँ जान बचा के यहाँ से निकला। यहाँ अकलतरा रेलवे स्टेशन से रायगढ़ को जाने वाले रूट पर कुछ ही दूरी पर ट्रेन डीरेल होने की सूचना मिली।